हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ठाकुर जी के लिए, देखिए हमारे कान्हा जी के लिए कितनी प्यारी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स। आप इसको दिवाली पर अपने कान्हा जी को पहनाइएगा, आपके कान्हा जी बहुत ही सुंदर लगेंगे और आप नवरात्रि में भी इसको पहना सकते हैं क्योंकि ये मल्टी कलर में है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसके अंदर मैंने मल्टी कलर के पैचेज यूज़ किए हैं, तो ये ड्रेस जो है वो बहुत ही प्यारी लगेगी नवरात्रों पर या दिवाली पर, जैसे कि आप जानते हैं कि फेस्टिवल्स आ ही रहे हैं। तो और ये ड्रेस फ्रेंड्स मैंने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है और इसका ये देखिए डायमीटर जो है वो 11 इंच है फ्रेंड्स। तो ये 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड्स। और मैंने वीडियो में छोटा भी बनाना बताया कि आप इसको कैसे छोटा बना सकते हैं। बस आपको ये करना है फ्रेंड्स कि आप जिस भी नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप जो है, मैंने जैसे वीडियो में बताया कि ये जो बेस है वो आपको बेस जो है वो 1 इंच छोटा कट करना है। जैसे कि आपको 10 इंच का बेस का रेडी रखना है तो आपको 9 इंच कट करना है, क्योंकि ये देखिए थोड़ी थोड़ी हमारी नेट और ये जो हमारा वर्क है, पैचेज हैं, ये थोड़े थोड़े हमारे बाहर निकलते हैं तो हमारा 1 इंच जो है उससे इंक्रीज हो जाता है। बाकी आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने अपना बेस रेडी कर लिया है और ये देखिए जो इसके नीचे का बेस है फ्रेंड्स, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अलग से अपलोड है, जिस पर मैंने ऑल साइजेस के लिए बेस बताया कि हमें कैसे बनाना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने ये अपनी रेड कलर की नेट भी लगा ली है फ्रेंड्स, और ये भी मैंने अपनी कई वीडियोज़ में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रफली आइडिया दे देती हूँ कि हमें कैसे लगानी है फ्रेंड्स ये। तो आप जब अपना ये बेस बना लेंगे फ्रेंड्स, ये सर्कल भी कट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ से, ये देखिए जो हमारा सर्कल है, यहाँ से और यहाँ तक हमें अपना बेस जो है वो मेज़र करना है। तो ये देखिए, ये हमारा ऑलमोस्ट 4.25 इंच आ रहा है फ्रेंड्स, ये जो बेस है। तो मैंने 4.25 की जगह फ्रेंड्स 4.5 इंच की अपनी एक नेट की पट्टी कट करी है फ्रेंड्स, सिंगल नेट की पट्टी मैंने 4.5 इंच की, अपने कपड़े के आर्च की मैंने 2 पट्टी कट करी थी फ्रेंड्स, उनको बीच में से जोड़ लिया। उसके बाद ये देखिए प्लेट्स डाल डाल कर मैंने यहाँ से इसको जोड़ दिया। और जो यहाँ पर फिर जो एक्स्ट्रा आ गई फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी जो निकली थी, ये देखिए मैंने हल्का सा थोड़ा थोड़ा बाहर छोड़ते हुए और उसको साइड से मैंने कट कर दिया। तो ये हमारा जो बेस है वो बन गया। तो ये देखिए, ये हमारा, ये इस तरीके से ये जो है ये हमारा बेस बन गया है। और यहाँ पर ये बेस बनाने के बाद मैंने पूरा स्टिच करने के बाद, ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारा टिश्यू रिबन होता है फ्रेंड्स, ये मैंने इससे यहाँ पर इसको लॉक कर दिया अपने दोनों कॉर्नर को। और अब हम यहाँ पर लगाएंगे नेफा। वैसे तो मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मेरे कई सब्सक्राइबर पूछते हैं कि मैम नेफा कैसे लगाते हैं, तो मैं आज आपको बताती हूँ। तो उसके लिए देखिए, ये हमने उरेप की पट्टी कट करी है। उरेप की पट्टी को कैसे कट करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कोई भी कपड़ा लीजिए उसको हमें ऐसे तिरछा कट करना होता है, तो उसको उरेप की पट्टी बोलते हैं। देखिए तो ये ऐसे स्ट्रेच हो जाती है। और ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है और लेंथ मैंने ऐसे अंदाजे से ले लिया। आप चाहें तो यहाँ से देखिए इस तरीके से इंची टेप रखिए और ऐसे भी आप इसको इस तरीके से पकड़ पकड़ के मेज़र करके यहाँ से यहाँ तक मेज़रमेंट लेके जितना आपका मेज़र आए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आप कट कर लीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे एक अंदाजे से एक लंबी पट्टी कट कर लीजिए। और उसको हम क्या करेंगे, अब ये बैक साइड करेंगे अपनी ड्रेस के बेस को, और इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम। ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लिया और यहाँ पर हम इसको रखेंगे ऐसे, और इसको हम ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी ये मशीन चलाते हुए, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे सर्कल में घुमाते हुए मशीन को, और ऐसे घुमाते घुमाते हम इसको यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। और यहाँ से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा करके और उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। जैसे हमने इसको फोल्ड किया है, हम ऐसे यहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं मशीन से भी फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं और आपसे मशीन से ऐसे नहीं लगता है तो आप निडल थ्रेड से भी इसको सेम प्रोसेस से यहाँ पर रखिए, और यहाँ से आप इसको निडल थ्रेड से भी स्टिच कर सकते हैं। और उसके बाद आप मशीन से लगा दीजिए या निडल थ्रेड से भी लगे रहने दीजिए, तो ऐसे भी ये लगा सकते हैं हम। तो चलिए पहले हम यहाँ तक लगाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पीछे से स्टिच कर लिया है। देखिए यहाँ से भी मोड़ के लगाया था और यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा 1/2 इंच जो है छोड़ कर और फिर कट करके, देखिए यहाँ से भी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। और हम क्या करेंगे, अपने बेस को हम करेंगे सीधा और इसको, ये जो हमने स्टिच किया है इसको हम निकाल लेंगे बाहर की साइड।
और ये देखिए फ्रेंड्स ये जो डोरी होती है हमारे पास गोल्डन डोरी, अगर आपके पास ये है तो आप लगाइए, अदरवाइज आप किसी कपड़े की भी बनाकर लगा सकते हैं, जैसे रेड कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं तो रेड कपड़े की आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इस डोरी को पहले ही यहाँ पर रख लेंगे क्योंकि बाद में ये डलती नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा जो है ये स्ट्रेचेबल नहीं होता है, जो हमारा नीचे का बेस होता है तो इससे आप इसमें डाल नहीं सकते, तो ये हमें पहले ही रखनी होती है और ये सर्कल में होता है इसलिए। तो ये देखिए हम इसको, ये जो हमने फोल्ड किया था इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये डोरी को हम ऐसे अंदर की साइड कर देंगे और यहाँ पर हम ऐसे रख कर, ये देखिए ये इसको हम ऐसे सर्कल में ऐसे करते घुमाते इसको यहाँ पर रख देंगे और ये देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसको स्टिचिंग कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया आप चाहें तो इसको नीडल थ्रेड से भी कर सकते हैं या आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप उसको कर सकते हैं। तो ये देखिए हम इसको ऐसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे पूरा ये गोल यहाँ तक, तो ये हमारा इजीली ये देखिए नेफा लगकर तैयार हो जाएगा और ये डोरी भी हमारी यहाँ पे, और ये देखिए ये ऐसे स्ट्रेचेबल होती है हमारी कमर को एडजस्ट करने के लिए। तो चलिए ऐसे ही हम इसको पहले लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली और देखिए फ्रेंड्स कितना फिनिशिंग से हमारा जो है नेफा लगकर तैयार हुआ है। और ये देखिए अब हम इसको डेकोरेट करेंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए ये देखिए मैंने अपने ये इस तरीके से जैसे कलंगी बनाते हैं इस टाइप से मैंने अपने ये येलो कलर से गोटे वाला कपड़ा होता है फ्रेंड्स मेरे पास ये था, तो मैंने इससे जो है ये अपनी कलंगी बनाई है। आपके पास जो भी कपड़ा, आप कोई सिल्क का कपड़ा ले सकते हैं, चंदेरी का कपड़ा ले सकते हैं या फिर जो क्या नाम जयपुरी प्रिंट का कपड़ा होता है फ्रेंड्स आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे ये हमें ये बनाने हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाए फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैंने 4.5 इंच का एक चौड़ा कपड़ा कट किया फ्रेंड्स, उसको डबल करके और ये देखिए अंदर की साइड फोल्ड करके मैंने यहाँ पर ये स्टिचिंग लगा ली फ्रेंड्स। और ये 7 इंच लेंथ पहले एक लंबी पट्टी कट करके पूरी लंबी पट्टी मैंने पूरी तैयार कर ली फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने इनको 7-7 इंच की ये जो है ये लंबी मैंने कट कर ली। और अब हम क्या करेंगे ये देखिए जो दोनों साइड से फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसको ये देखिए इस तरीके से अंदर करके ऐसे, और ये आप यहाँ पर भी इस पर स्टिच लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं या नीडल थ्रेड से भी आप कच्चा करके आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे करके दोनों साइड से हम इसको सेम इस तरीके से अंदर डाल लेंगे और यहाँ पर आप स्टिचिंग लगा लीजिए, पेस्ट कर लीजिए या कच्चा कर लीजिए। और उसके बाद ये देखिए हम इसको इस तरीके से कलंगी की तरह ऐसे प्लेट्स डालकर हम इसको जैसे कलंगी बनती है जैसे हम अपनी ये पगड़ी में लगाते हैं, तो सेम वैसे कलंगी की तरह हम इसको रेडी कर लेंगे ऐसे। और यहाँ से हम निडल थ्रेड से क्या है इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी कुछ इस टाइप से हमारी कलंगी की तरह ये बन जाएगी। तो ऐसे मैंने ये तैयार कर ली है फ्रेंड्स ये देखिए। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स इनको ये देखिए अभी मैं इनको हम इधर कॉर्नर पर इस तरीके से हम यहाँ पर इनको लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए। तो ये मैंने फ्रेंड्स 4.5 इंच की पट्टी कट करी थी। आप चाहें अगर आप छोटी ड्रेस बना रहे हैं फ्रेंड्स तो आप इसको 4.5 की जगह 3.5 इंच की कट कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा बड़ी ड्रेस बना रहे हैं आप, जैसे मैंने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है, 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए, तो आप क्या कीजिएगा इनको 4.5 की जगह 5.5 की बना लीजिएगा। जैसे आप 6 या 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे, तो जितने बड़ा करते जाए तो 1-1 इंच आप इसमें इंक्रीज करते जाइएगा। और ये देखिए ये मेरे पास है पैचेज, ऐसे मल्टी कलर के पैचेज है फ्रेंड्स। तो इनको क्या मैं इसके मिडल में इस तरीके से पेस्ट कर दूंगी यहाँ पर लगाकर। तो ये इस तरीके से फ्रेंड्स हम पेस्ट कर लेंगे इनको सबको अच्छे से एडजस्ट करके थोड़ा सा स्पेस देते हुए। और फिर ये देखिए ये वाले पैचेज हैं मेरे पास, तो ये मैं यहाँ पर चारों तरफ लगा लूँगी। तो ऐसे हम अपनी ड्रेस को डेकोरेट करेंगे। तो चलिए पहले हम करते हैं फिर आपको दिखाती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये अपने सब पेस्ट कर लिए हैं ये देखिए यहाँ पर। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने येलो के ऊपर यहाँ पर भी ये स्टोन लगा दिया है और इधर ये देखिए स्टोन चेन मैंने पेस्ट कर दी है फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है दिवाली पे या किसी भी फेस्टिवल पे ये आप कान्हा जी को पहनाएंगे तो आपके कान्हा जी बहुत ही सुंदर लगेंगे फ्रेंड्स। और इसकी चोली जो है आप रेड कलर या येलो कलर की किसी भी कलर में बना सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में दे दूंगी। मैंने अपने चैनल पर ऐसे सेपरेट चोली जो है वो बनानी बता रखी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।